बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, और आपको भाई एक न्यूज़ से अपडेट कर देता हूँ मैं। दो तीन दिन पहले की ये न्यूज़ है, निज़ामुल अमल यानी कि मकतबे अमल की तरफ से बोल रहे हैं आपको। इसको ट्वीट किया गया था, लेकिन मकतबे अमल के जो दफ्तर यानी कि मुआदल बशरिया के जो ऑफिस होते हैं, यहाँ जवाजात की तरफ से भी इसको ट्वीट किया गया था। वहां पर भी आपको ये बैनर दिखाई दे जाएंगे जो यहां पर आपको मैं दिखा रखा हूं। जैसा कि आप, मैं हाल ही में जद्दा में गया हुआ था, जद्दा स्वातखाना में, उसके मतलब आपके साथ काफी वीडियो शेयर कर चुका हूं। वहां पर भी बहुत से बैनर लगे हुए थे, यहां पर मैं कुछ आपको दिखा भी रखा हूं, जिनके ऊपर आपके मुख्तलिफ मसाइल का हल लिखा होता है। और मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए आप इन वेबसाइट या इन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, अपनी गाड़ी कैसे भेज सकते हैं, खरूज नहाई कैसे लगवा सकते हैं, यह तमाम तफसील वहां बैनर के ऊपर लिखी होती है और वहां पर ये बैनर लगाए गए होते हैं। ठीक है जी, ऐसा ही मुआदल बशरिया या जवाजात के ऑफिस वगैरह में भी बैनर रखे जाते हैं। वहीं से ये ली गई पिक्चर है जी, जिसको निज़ामुल अमल यानी कि मकतबे अमल ने भी रिट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। अच्छा, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि इसके मतलब ये दो दिन से मैं देख रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर ये न्यूज़ फैलाई जा रही थी। इसके मतलब आपको बताया ये जा रहा था कि अभी विजिट वीज़ा वाले यानी विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा वाले, जिस भी बंदे के यानी कि अगर आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, या आपकी वालदा है, या आपका कोई भाई वगैरह है, आप उसको, आपने उसको बुलाया हुआ है विजिट वीज़ा के ऊपर, तो आप उसको अपने अंडर में कर सकते हैं। यानी कि उसको भाई उसका इकामा बनाकर अपने नाम के ऊपर, आपकी कंपनी को मुसस्सा वगैरह है तो अपने नाम के ऊपर उसे कर सकते हैं। यानी कि दूसरे नंबर पर आप इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि परमानेंट वीजा उसे बोल रहे हैं कि विजिट वीजा आपको पता है 3 माह का होता है, फिर उसको आप बढ़ाते जाए 6 माह 9 माह, वो तो आपकी मर्जी है जी, हर 3 माह बाद उसे आप बढ़ा लें, वो फीस लगती है अलग से। लेकिन अगर आप परमानेंट वीजा लेना चाहते हैं या इकामा बना देना चाहते हैं उसी विजिट वीजा के ऊपर, तो वो भी आप अभी कर सकते हैं। इस न्यूज के मतलब ये बताया जा रहा था। और टिकटॉक के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी थी, आप यकीन करें, जद्दा कॉर्निश के ऊपर जब मैं गया था ना यौमल वतनी वाले दिन, तो मैंने दिन और रात, तो मैंने वहां पर इस लड़की को देखा भी था। अभी मैं उसकी आपको पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, सॉरी। वो ना उसकी मैंने टिकटॉक के ऊपर भाई वीडियो देखी, वो पता क्या बोल रही थी, मुबारक हो जी आपको ये वीजा वीजा वाले, फैमिली वीजा वाले, आप भी आप अपने उनको आप अंडर में कर सकते हैं, ये देख लेंगे वो ट्वीट मकतबे अमल ने ये बता दिया है, ये है वो है, वो ऐसे कहानी सुना रही थी बंदों को। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने जब अभी इसके मतलब यानी कि जवाजात की तरफ से फिर ये उनसे ये सवाल पूछा गया है कि या क्या वैसा ऐसा मुमकिन है, तो उनकी तरफ से इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तफसील फिर आ चुकी है। तफसील ये है जी, जवाजात ने ये कहा है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि विजिट वीज़ा वाले बंदे उनको इकामा जारी कर दिया जाए या वो किसी के अंडर में हो जाए, यानी कि अंडर से मुराद ये होती है कि आप किसी कफील के अंडर हो जाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, वो विजिट वीज़ा या फैमिली वीज़ा के तौर पर ही रहेंगे। ये न्यूज जो फैलाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इन जो मैं यहां पर आपको दिखा रखा हूं, ये जो पिक्चर, ये जो बोर्ड आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको दिखाकर आपके साथ ये बात शेयर की जा रही है, इनका मकसद ये है कि विजिट वीजा को भाई हमने बढ़ाने के मुतलक कहा है, यानी कि किसी कंपनी को किसी बंदे के, बंदा चाहिए कोई ऐसा बंदा जिसकी जरूरत है उन्हें उन्हें यानी कि 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, तो उसको वो बुलाना चाहते हैं विजिट वीजा के तौर पर। वो कंपनी, वो मुसस्सा, वो कफीर उस बंदे को बुला सकता है, वो यहां पर उससे 3 माह 6 माह के लिए अपने अंडर में रख कर उस बंदे से काम करवा सकता है, उसके बाद उसको भाई वापस भेज देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसका इकामा बन जाएगा या परमानेंट उसको वीजा जारी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा।